नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग और रिटायर फौजी भाइयों के एकमात्र भरोसे यूट्यूब चैनल सैनिक न्यूज चैनल में। दोस्तों, सभी फौजी जवानों और ऑफिसर्स के लिए सेना मुख्यालय की तरफ से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश दोस्तों सभी फौजी जवानों और ऑफिसर्स के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर छोटी से बड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। लॉकडाउन की वजह से विभिन्न जिलों में फंसे सैन्य अफसर जवानों को ड्यूटी पर बुलाने की तैयारी सैन्य मुख्यालय की ओर से की जा रही है। इसी संदर्भ में सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर के कर्नल प्रदीप सैनु गुप्ता ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। पत्र के मुताबिक 1 जून से रेलवे हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में जो जवान और ऑफिसर्स लॉकडाउन की वजह से छुट्टी पर हैं उन्हें अपने मुख्यालय संस्थान या यूनिट में जल्दी योगदान देना होगा। इसी को लेकर सेंट्रल कमांड ने दिशा निर्देश तय किए हैं। बताया गया है कि ग्रीन वे ऑरेंज जोन श्रेणी के इलाकों में आने वाले सैनिक अलग अलग क्वारंटाइन होंगे, यानी वो मुख्यालय या यूनिट में आने के बाद में उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। छुट्टी पर गए अफसर लौटने के बाद अपने घर में होम क्वारंटाइन में रहेंगे। वहीं अब से छुट्टी पर जाने वाले सैनिकों को एन्युअल लीव 30 दिन की दी जाएगी और कैजुअल लीव 15 दिन से कम नहीं मिलेगी। और जो भी छुट्टी पर जाएंगे उसको छुट्टी से लौटने पर अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन होना। वहीं दोस्तों, जो जवान रिटायर होने के बाद अपने रेजिमेंटल सेंटर में हैं, पेंशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में वो भी अपने घर को रवाना हो सकेंगे, यानी घर जा सकेंगे। तो दोस्तों, ये थे सेना मुख्यालय की तरफ से कुछ छोटी और बड़ी जानकारियाँ। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।